फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्वात की चुंबकशीलता, जिसको म्यू जीरो कहते हैं बच्चों, तथा निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको एप्सिलॉन जीरो कहते हैं, में क्या संबंध है बच्चों। बच्चों जो हैं, ये जो हैं, इस पे आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चों, और एक नंबर के प्रश्न के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी म्यू जीरो एंड परमिबिलिटी एप्सिलॉन जीरो बच्चों। तो बच्चों ये दोनों जो हैं बच्चों आप पहले से जानते हैं, आपको ये क्लियर करा देंगे बच्चों, क्योंकि जो है बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इनमें रिलेशन क्या है बच्चों, और ये पहले से जानते हैं बच्चों। बच्चों आप पहले से जानते हैं कि म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 10^-7 न्यूटन न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो इसकी वैल्यू होती है। और दूसरी बच्चों जो है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 9×10^9। ठीक है बच्चों, इसकी जो है जो पूरा जो वैल्यू होती है, ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है, दिखाई दे रहा बच्चों सबको आपको। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 2 का भाग देने का भाग देने पर, ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान देंगे अच्छे ढंग से, आप ये पास समझेंगे बच्चों। यहाँ बाएं पक्ष क्या है बच्चों, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई है ना बच्चों, और यहाँ इसका बाया पक्ष क्या है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो है। ठीक है बच्चों, और यहाँ इक्वल टू कितना आना है बच्चों, यहाँ है 10^-7 है न्यूटन, न्यूटन बटे कितना है, एम्पियर वर्ग है, एम्पियर का स्क्वायर है बच्चों, और डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों, 9×10^9 है। ठीक है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन कितना है बच्चों, ये देखो बच्चों मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको, अपॉन कितना बच्चों, कूलाम स्क्वायर है बच्चों। ठीक है बच्चों, और मैं फिलहाल जो है, अब बच्चों देखो यहाँ देखे बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, म्यू जीरो के साथ कितना जाएगा बच्चों ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना रह जाएगा बच्चों, 4 पाई। ठीक है बच्चों, ये 4 पाई रह जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, अब आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा बच्चों कि यहाँ हमारा कितना आएगा बच्चों। तो संख्यात्मक रूप में, संख्या के रूप में तो 10^-7 है, और यहाँ कितना है, 9×10^9 है। अब यहाँ देखो बच्चों, इस न्यूटन के साथ तो ये आ जाएगा बच्चों चौथी राशि है ना बच्चों, तो न्यूटन के साथ क्या गुणा हो जाएगा बच्चों, कूलाम स्क्वायर गुणा हो जाएगा। ये देखो बच्चों दिखाई दे रहे, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो और नीचे क्या रह जाएगा बच्चों, नीचे रह जाएगा एम्पियर का वर्ग। ये देखो बच्चों, ये और ये नीचे रह जाए, एम्पियर का वर्ग गुणा न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ये रह जाएगा बच्चों। अब ध्यान देंगे बच्चों आप, यहाँ पर जो बच्चों न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया है। ठीक है बच्चों, न्यूटन से न्यूटन हमारा क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है बच्चों। अब ध्यान देंगे बच्चों आप यहाँ पर कितना बचा बच्चों, यहाँ पर बचा हमारा म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो, ये गुणा में आ गया दोनों, और यहाँ कितना बच्चा बचा बचा बच्चों, 10^-7 और बटे कितना आ गया, 9×10^9 बचा। देखो बच्चों, अब यहाँ पर बच गया हमारा कूलाम का स्क्वायर बट्टे कितना बच गया, बट्टे कितना बच गया बच्चों,
एम्पियर का स्क्वायर बटे में और गुणा मीटर का स्क्वायर हमारा ये बच गया बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये देखो ये दोनों, ये ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम एक साथ लिख सकते हैं बच्चों इसको। तो कितना हो गया म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर, ये नीचे चला जाएगा बच्चों, ये देखो ध्यान दीजिए, ये सात नीचे चला जाएगा, तो नौ सात कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा, नौ गुणा गया दस की घात कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं कूलाम बटे एम्पियर मीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया बच्चों म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर आ गया है एक बटे नौ गुणा गए दस की घात सोलह। ठीक है बच्चों, और आ गया है कूलाम बटे एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर का स्क्वायर आ गया बच्चों। ये देखिए बच्चों ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं, हम जानते हैं Q बराबर I इंटू टी होता है। ठीक है बच्चों, होता नहीं होता है, तो कूलाम Q का मात्रा क्या होता है, Q का मात्रा क्या होता है बच्चों कूलाम, बराबर क्या हो जाएगा I का मात्रा क्या हो जाएगा बच्चों एम्पियर, एम्पियर, और T का मात्रा क्या हो जाएगा बच्चों सेकंड। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम कूलाम की जगह पर क्या लिख दें, कूलाम की जगह पर क्या लिख दें एम्पियर सेकंड लिख दें बच्चों। तो क्या आ गया बच्चों हमारा म्यू जीरो, ध्यान दीजिए म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर कितना हो जाएगा एक बटे नौ गुणा गए दस की घात सोलह। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों हम एम्पियर, एम्पियर गुणा गए सेकंड, एम्पियर गुणा गया सेकंड बटे क्या लिख देंगे एम्पियर, एम्पियर और मीटर। ठीक है बच्चों, ये लिख दें इसका स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब एम्पियर से एम्पियर कट गया अंदर, तो एम्पियर से एम्पियर कट गया बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना कट गया ना, अब हमारे पास कितना आ गया म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर। ठीक है बच्चों, ये देखो ये आ गया हमारे पास एक बट, इसको इतना लिख सकते हैं बच्चों हम तीन और ये दस की घात आठ, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, आप ही बताएंगे बच्चों। तीन का स्क्वायर नौ हो गया और यहाँ आठ दूनी सोलह हो गया, इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा बच्चों हमारे बगल में, हमारे पास किसका स्क्वायर आएगा सेकंड, सेकंड बटे मीटर का स्क्वायर। लेकिन बच्चों अगर इसको, इसको भी ऊपर ले जाते हैं और इसको भी ऊपर ले जाते हैं, उल्टा कर देते हैं हम, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं। देखो हमने उल्टा कर दिया, ये देखो इसको बटे में डाल दिया, एक बटे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो को एक में बटे में डालेंगे तो ये भी बटे में, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटो, तीन गुणा गया दस की घात आठ का वर्ग हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों, ये भी उल्टा हो जाएगा। या देखो गुणा, ये उल्टा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मीटर, ये उल्टा हो जाएगा बच्चों एक बटे, तो वो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। देखो बच्चों हमने ये भी उल्टा किया, ये भी उल्टा किया, तो ये भी उल्टा हो गया एक बटे, तो ये ऊपर चला गया, ये उल्टा किया तो ये ऊपर चला गया। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ बच्चों यहाँ पर ये तीन गुणा के दस घात आठ क्या है, C प्रकाश की चाल, C बराबर होता है तीन गुणा के दस की घात आठ, ये ध्यान देना बच्चों, प्रकाश की चाल जो है तीन गुणा दस घात आठ होती है। तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास एक बटे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर कितना आ गया C स्क्वायर, ये प्रकाश का वो आ गया। ठीक है बच्चों, ये देखो ये इसका मात्रक आ गया। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या आ गया मात्रक आ गया, ये तो ये मात्रक नहीं है बच्चों, मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है सी का मात्रक, सी का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है बच्चों, तो म्यू जीरो बट वन अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर कितना आ गया इतना आ गया। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं सी निकालना चाहूँ, यहाँ पे सी निकालना चाहूँ इसको, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा वन अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन
जीरो, ठीक है बच्चों। और वन का वर्गमूल तो वन हो गया, वन का वर्गमूल तो वन हो गया, तो वन अपॉन ये रिलेशन है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, ये रिलेशन आ गया किसमें, किसमें म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो में रिलेशन आ गया। और सी क्या आ गया बच्चों, सी जो है यहाँ पर प्रकाश का वेग है बच्चों। और बच्चों अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा बच्चों, ये देखिए, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर समझा दूँ बच्चों, इसको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पर हमारा कितना आया है, हमारा आया है 3×10⁸ का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है मीटर बटे सेकंड, सेकंड का स्क्वायर आया है बच्चों। ये देखो अब मैं एक ही कोष्ठ में लिख दूँ इसको, एक ही कोष्ठ में लिख दूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3×10⁸ मीटर, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और बताओ बच्चों ये 3×10⁻ क्या है, प्रकाश की चाल नहीं है बच्चों, ये प्रकाश की चाल नहीं है, तो ये किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। तो क्या रिलेशन आ गया बच्चों हमारे पास, हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, सी बराबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। जब आप विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सी बराबर 1/μ0ε0 बच्चों। और ये आपको परीक्षा में या कभी कभी जो है मल्टीपल चॉइस में भी जो है आपको ये पूछा जाता है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।